हावड़ा में फिर भड़के हिंसा उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। हावड़ा में उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, जमकर मचाया उत्पात। उपद्रवियों के उत्पात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। हावड़ा में पथराव में कई सुरक्षाकर्मी जख्मी, कैमरे में कैद हुई उपद्रव की तस्वीरें। सुमेंदु अधिकारी ने मांग की राज्य में हालत खराब, सैन्य या अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में हिंसा को लेकर अब तक 70 आरोपियों की गिरफ्तारी। हावड़ा में उलबेरिया, पांचला, डोमजू जैसे इलाकों में 3 दिनों तक धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद। यूपी में शुक्रवार की हिंसा के बाद से एक्शन के दौर अब तक 227 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी, 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हाथरस से 50, सहारनपुर से 48 लोगों की गिरफ्तारी। अंबेडकर नगर से 28, मुरादाबाद से 25 तो फिरोजाबाद से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। कानपुर में उपद्रवियों पर मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर माना एक्शन। आरोपी जफर हयात के करीबी मोहम्मद इश्तियाक के घर पर अवैध निर्माण तोड़ा गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यवाहक डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं हालात की समीक्षा। प्रयागराज, लखनऊ और फिरोजाबाद में भेजे गए अतिरिक्त सुरक्षा बल, सहारनपुर मुरादाबाद पर भी नजर। प्रयागराज में धारा 144 लागू, 70 नामजद तो 5000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर भी भेजा गया, जिन सड़कों पर हुआ था पथराव उनकी सफाई हुई। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित खुल्दाबाद और करेली थाना क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक समाजसेवी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ दाखिल की उन्होंने जनहित याचिका, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला। पाली में भी कल जेएम ऑफिस के बाहर मुसलमानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली पुलिस ने वायरल मैसेज की जांच शुरू की, मैसेज के बाद ही हुआ था जामा मस्जिद में प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ट्विटर और फेसबुक से भी मांगेगी मदद, वायरल मैसेज की पड़ताल में लेगी मदद। रांची में हिंसा में 2 लोगों की मौत और इनमें से एक मुदस्सिर उर्फ कैफी को लगी थी गोली, दूसरा मृतक का नाम साहिल, 4 अन्य जख्मी। रांची में लगाया गया था कर्फ्यू, कल है जमकर यहां पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी। अहमदाबाद में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, बड़ी तादाद में प्रदर्शन में शामिल हुई मुस्लिम महिलाएं नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्लेकार्ड लहराए गए। शुक्रवार को हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले में कर्फ्यू जारी। श्रीनगर में भी संवेदनशील जगहों पर ज्यादा सुरक्षा बल तैनात, डोडा और किश्तवाड़ समेत कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। कुलगाम में मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के सोपोर में आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। पैगंबर को लेकर बयान के विवाद में पड़ोसी देशों तक भी असर, नेपाल के बीरगंज में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन। ढाका में भी जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी के बीच लोगों ने निकाला मार्च, 16 जून को भारतीय एम्बेसी का घेराव का ऐलान। यूपी पुलिस का ऐलान, सोशल मीडिया पर है नजर, दोषियों पर लेगी सख्त एक्शन। व्यक्तियों के 116 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं विभिन्न जनपदों में, और इन व्यक्तियों के नूपुर शर्मा के खिलाफ बारामती में भी केस दर्ज, पुणे जिले में पुलिस थाने तक लोगों की दौड़। महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास अघाड़ी को लगा बड़ा झटका, शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार हारा। महाराष्ट्र में एक एक सीट पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जीत, तो 3 सीटों पर बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में 1 वोट किया गया रद्द, बाकी 4 आपत्तियों को किया गया खारिज। कर्नाटक में बीजेपी में मिली 3 राज्यसभा की सीटें, निर्मला सीतारमण, जगेश और लेहर सिंह सिरोहिया जीते, कांग्रेस से जयराम रमेश की जीत। प्रमोद तिवारी इमरान प्रतापगढ़ी के जीतने पर, प्रतापगढ़ में जश्न, तिवारी राजस्थान से जीते, इमरान को महाराष्ट्र से मिली जीत। हरियाणा में कांग्रेस को झटका, राज्यसभा उम्मीद में अजय माकन को हार। हरियाणा से जीते कार्तिकीय शर्मा, बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की भी जीत। राजस्थान में गहलोत का दिखा जलवा, कांग्रेस ने जीती 3 राज्यसभा सीटें, क्रॉस वोटिंग के मामले में बीजेपी के विधायक शोभा रानी को किया गया सस्पेंड।
राजस्थान में निर्दलीय और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा की हार, बीजेपी के घनश्याम तिवारी जीते। हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर हुई थी शिकायतें, आधी रात तक चुनाव आयोग ने सुनवाई की। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल को दो दिन की बैठक, कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। हरिद्वार में ज्ञान वापसी से लेकर टारगेट किलिंग और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर वीएचपी करेगी मंथन, कुछ प्रस्तावों के पास। अपने अपने स्थान की और संपूर्ण भारत को प्रभावित करने वाली दोनों प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान। साथ काशीधन परिषद के संतों की भी आज बैठक होगी, कल नमाज के बाद हिंसा के खिलाफ पास हो गया प्रस्ताव। पातालपुरी मठ के महंत बालकदास करेंगे अध्यक्षता, कथित इस्लामी उभार पर चर्चा। पटियाला सेंट्रल जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू से मिले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, रोडरेज के मामले में सिद्धू को मिली है एक साल की सजा। सिन्हा को मिले 288 नए ऑफिसर, देहरादून में पासिंग आउट परेड में शिरकत। दौसा में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कुछ मजदूरों के भीतर फंसे होने की आशंका। यूपी के इटावा में गैस एजेंसी के वेंडर की हत्या, पत्नी और एक रिश्तेदार पर है हत्याकांड। बारामती में बस से टक्कर, एक बाइक की, दो बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। बेमौसम बारिश से अरुणाचल प्रदेश में तबाही, लिखाबाली इलाके में हैंगिंग पुल बह गया। अरुणाचल के कई जिलों में बाढ़ का कहर, सुबानसिरी में होज और पोतिन के बीच में बाढ़, आज भी जोरदार बारिश की संभावना। मेघालय में भी बाढ़ ने मचाई तबाही, जिंजिका को मेघुबा से जोड़ने वाला लकड़ी का पुल तबाह। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद लोगों को परेशानी, कुर्ला समेत कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। पुणे में लगातार हो रही बारिश, बैनर रोड और यूनिवर्सिटी चौक पर भरा पानी। गुवाहाटी के कई इलाकों में भारी बारिश, जटिया कोहिलीपारा में पानी भरा। अगले चार दिनों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में दो दिनों के बाद दे सकता है दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में झमाझम बारिश, पेड़ उखड़ने की वजह से सड़कों पर लगा लंबा जाम। पुणे के लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने किया प्री मानसून की दस्तक का दावा। अकोला और अमरावती में प्री मानसून की बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। मुंबई जोरदार बारिश, वडाला में सड़कों पर दिखा पानी। वाशिम में कुएं की सफाई के दरमियान मिला अनोखा पत्थर, पुजारी ने बताया 200 साल पुराना शिवलिंग। पश्चिम बंगाल के हिजली समुद्र तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने तलाशी अभियान चलाया, मछली पकड़ने जाने वाली नाव डूबने के बाद 7 लोग लापता। बिहार पुलिस को की फिर से किरकिरी, सलामी देने के दरमियान नहीं चली पुरानी राइफलें। सुकमा में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कबासी लखमा जमकर थिर का सरकारी कार्यक्रम के बाद बजाया ड्रम। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पुराना वीडियो वायरल, कार की छत पर बैठकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे। झारखंड की लोहरदगा पंचायत में डायन बताकर महिला को दी गई मौत की सजा, जहर पिलाकर मार डाला, 30 लोगों से पूछताछ। बैतूल में फिरौती के लिए अगवा किए गए शख्स की पिटाई के बाद मौत, अस्पताल में शव छोड़कर भागे बदमाश। रेवाड़ी की लाइब्रेरी में लगी भीषण आग, सीढ़ी लगाकर दुकानदारों ने किया बच्चों के रेस्क्यू। बेंगलुरु में कैंपस में छात्रों पर हमला, विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। बरेली में यूपी के मंत्री के बेटे ने होमगार्ड को पीटा, वीडियो वायरल। बैतूल में बेटी ने की मां की हत्या, पति के साथ मिलकर लाश को लगाया ठिकाने। नोएडा में चीन झपटमारों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, घायल हालत में गिरफ्तार। समस्तीपुर में बेटी के शव देने के बदले 50,000 मांगने वाला पोस्टमार्टम कर्मी सस्पेंड, जांच के दरमियान पाया गया दोषी। गुवाहाटी में खतरनाक अजगर का रेस्क्यू किया गया, रिहायशी इलाके में आ गया था अजगर। जानवर तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल का गार्ड गिरफ्तार, 7 दिन की सीबीआई हिरासत में। एनटी अवार्ड्स में बजा आज तक का डंका, 20 कैटेगरी में आज तक ने जीता एनटी अवार्ड। श्वेता सिंह को मिला टीवी न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड, खबरदार कार्यक्रम की तारीफ हुई। तेसरार एंकर अंजना ओम कश्यप को मिला अवार्ड, आंका गया सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम न्यूज एंकर। फीमेल कैटेगरी में नेहा बाथम को भी इनाम, आंके गए नंबर 1 बिजनेस न्यूज एंकर। आज तक के डिबेट शो भी रहे शानदार, बंगाल चुनाव के दौरान
पुरपुरा शरीफ से पेश राज तिलक को बेस्ट न्यूज डिबेट शो का एंटी अवार्ड मिला। आईसीयू स्पेशल पर श्वेत पत्र को करंट अफेयर स्पेशल कैटेगरी में एंटी अवार्ड मिला। बजट बाजार को बिजनेस स्पेशल का एंटी अवार्ड। जान भी जहान भी को बिजनेस टॉक शो का अवार्ड। जय होने मारे एंटरटेनमेंट टॉक शो में बस। खेल की कवरेज में भी आज तक रंग विक्रांत गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स टॉक शो का इनाम। सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी एंटी अवार्ड्स में 15 अवार्ड जीते। इंडिया टुडे से राहुल कंवल को न्यूज प्रेजेंटर का एंटी अवार्ड मिला। सलाम क्रिकेट को स्पोर्ट्स टॉक शो का पुरस्कार मिला। आईसीयू स्पेशल पर श्वेत पत्र को करंट अफेयर स्पेशल कैटेगरी में एंटी अवार्ड मिला। औरैया में इको और रोडवेज बस में टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना में शादी से लौट रहे युवकों की बाइक का हादसा, अज्ञात वाहन ने टक्कर में 3 लोगों की मौत। आंध्र में खरीफ फसल के लिए पानी देने पर काम शुरू हुआ, जल संसाधन मंत्री ने शुरुआत की। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर टैक्सी ने 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों की मौत, सीसीटीवी में कैद हादसा। विशाखापट्टनम में पेड़ से बांधकर दलित युवक की पिटाई की गई, मोबाइल चोरी के आरोप में ये बर्बरता हुई। 12 जून को कटक में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा टी20 मैच। 5 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे। नॉटिंगहम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाजी कप्तान टॉम लेदम ने 26 रन पर वो आउट हो गए। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 2 विकेट झड़के, बेन स्टोक्स के खाते में भी 2 विकेट। बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचा टॉलीवुड का चहेता कपल, नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने विधि विधान के साथ पूजा की। अमृतसर में निकाला गया फतेह मार्च, मुगलों के खिलाफ सिखों की पहली जंग में मिली जीत के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया।